गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और सेहतमंद होंगे। तो यहाँ पे ना ये रात का समय है और रात को ना मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे हॉल क्लीन करना है और बेडरूम ना, तो इसलिए मैं ये कर्टन वगैरह जो ऊपर रखे हुए थे ना, तो उनको निकाल रही हूँ। और निकाल के मतलब मुझे जो इसमें कर्टन्स थे ना वो मैंने निकाल लिए, और जो पुराने थे मतलब पहले लगे हुए थे वो इस स्टोरेज में रखे, मैं इसको ऊपर रख दूँगी ताकि सुबह जो है ना क्लीनिंग और ये जो सब चेंज करके लगाने का काम है ना वही रहे, ये नहीं रहे कि अभी मुझे दूसरे निकालने हैं और फिर उनको आगे हॉल में कर्टन्स लगाने हैं या बेडशीट डालना है या सोफ़ा कवर डालना है, जो भी है मैं वो पहले से निकाल के साइड में रेडी कर रही हूँ। और अब मैं वो जो हॉल में क्लीनिंग थोड़ा सा कर लूँगी, वैसे मैंने पिछले हफ्ते ही कर लिया था तो अभी ज़्यादा कुछ मुझे क्लीनिंग का काम नहीं, बस थोड़ा सा क्लीनिंग करके मैं जो कर्टन्स वगैरह है वो चेंज करना है नेक्स्ट मॉर्निंग में। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और बाहर का क्लाइमेट मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा अंधेरा है। यहाँ पे बस सीढ़ी के यहाँ पे लाइट है इसलिए उजाला दिख रहा है। सुबह का 5 बज रहा है और वैसे भी पूरा सन्नाटा है। मॉर्निंग में वैसे भी कोई इस टाइम पे बाहर तो निकलेगा नहीं, उठे होंगे लेकिन सब अपने अपने घर के काम में लगे होंगे, ऑफिस स्कूल के लिए। तो चलिए यहाँ मैं भी काम में लग जाती हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे आज क्लीनिंग करना है, वैसे क्लीनिंग तो मेरा कुछ दिन पहले हो चुका था लेकिन ये क्रिसमस वाला थोड़ा सा क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग भी बोल सकते हो इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे सब कर्टन वगैरह चेंज करना है, थोड़ा क्रिसमस के हिसाब से मैं थीम के अकॉर्डिंग आगे का जो सेटअप है वो चेंज कर रही हूँ, मतलब कर्टन, सोफ़ा कवर, कुछ शो पीसेस और साथ में सफाई। तो ऐसा ये सब मेरा यहाँ पे हो रहा है। बच्चे अभी उठे नहीं हैं और उठेंगे भी तो भी साथ में मैं उनको टिफ़िन बना दूंगी और वो स्कूल जाएंगे तो उसके बाद में मेरे सब साथ में काम चल रहे हैं और उनके जाने के बाद के भी दूसरे काम चलते रहेंगे। तो इस बार सोफ़ा कवर कर्टन्स मैंने कोई नया नहीं खरीदा, वही चीज़ें हैं बस, जो कर्टन्स वगैरह है उनको प्रेस करके लेके आ गए हैं और अब मैं उनको सब डालती जाऊँगी। पहले सब फ़ैन वगैरह झटक लूँगी, साफ़ कर लूँगी, अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी और बस फिर झाड़ू पोछा हो जाएगा तो आगे का जो भी ऊपर का क्लीनिंग वगैरह है वो कर लूँगी। यहाँ पे देखिए सॉक्स नज़र आ ही गया, 2 दिन पहले ये सॉक्स ढूंढ रहे थे हम लोग, रिक्स का है ये शायद सॉक्स, तो मिल नहीं रहा था तो खैर आज तो मिल गया ये। यहाँ पे कर्टन का काम हो गया, उसके बाद में सोफ़ा कवर भी डाल दिया। अब मैं इसमें ना कुशन कवर्स डाल रही हूँ, तो ये कुशन कवर जो इसमें 2 कुशन कवर जो है वो नए हैं, 2 कुशन कवर जो है वो मेरे पुराने DIY है जिसके, ये देखिए ये येलो वाला जिसका DIY मैंने आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ और ये मेरा सबसे फेवरेट कुशन कवर है जो मैंने घर पर बिल्कुल भी नहीं बनाया, वो पूरा मोती वर्क है और मेरा फेवरेट है, बहुत रेयरली मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो चलिए आज का मौका अच्छा था तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज इसको यूज़ कर लेते हैं। अब आते हैं लोग ये ग्लास शेल्फ डेकोरेट करने के लिए। यहाँ पे ये शो पीसेस मैं इस तरह से अरेंज कर रही हूँ थीम के अकॉर्डिंग, ब्लैक, व्हाइट, येलो और थोड़ा सा ग्रे भी है, पर शो पीस में ग्रे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये जो शोपीस है वो दिवाली शॉपिंग हॉल में मैंने आपके साथ में शेयर किए थे, जो खरीदे थे और कितने में खरीदे, कहाँ से खरीदे वो सब मेंशन किया था। तो उसके बाद में मैंने अभी और कुछ नहीं खरीदा है, वही पुरानी चीज़ें हैं उनको अच्छे से वॉश वगैरह करके वही मैं अभी थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका जो DIY है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे ये कैंडल बहुत अच्छी लगी, ये सेकेंड टाइम मैंने ये कैंडल बनाई है, इससे पहले भी 1-2 साल पहले मैंने बनाई थी, तब मैं कोई चैनल नहीं चलाती थी, मतलब मेरा कोई चैनल नहीं था तो उसका DIY मैंने नहीं कोई शेयर किया। यहाँ पे ये कारपेट जो है ना पूरा ग्रे, वाइट, ब्लैक दिख रहा है लेकिन इसमें ना थोड़ा सा येल्लो भी कलर है, तो ये कर्टन और थीम के साथ अच्छा जा रहा था इसलिए मैंने ये कारपेट डाला। ये जो येल्लो मैट है ना ये बहुत दिन का, मतलब करीबन 1-1.5 साल पहले मैंने ख़रीदा था लेकिन कहाँ रखा था वो मिला नहीं था, अब मिला। तो ग्रे और येल्लो ये मैट जो है मैंने दोनों एक साथ ख़रीदे थे, जो आज मैंने यहाँ पे येल्लो वाला डाल दिया है मैट। तो जो कर्टन्स है वो धुल गया है, सुबह का टाइम है, अभी 7 बज रहा है, पानी अभी तक गया नहीं है,
तो सोफ़ा कवर जो है वो मशीन में धुल रहा है, और कर्टन जो है उनमें रिंग लगाई थी ना, रिंग बांध दी थी ना मैंने रस्सी से, तो अभी वो रिंग की रस्सी हटा दूंगी और कपड़े में बाहर जाके डाल के आ जाती हूँ। तब तक एक साइड में ये सोफ़ा कवर है ये भी वॉश होते रहेंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, 8 बजे नहीं, तब तक पानी तो चल ही रहा है। तब तक मैं ये जितना भी मतलब पानी चलते चलते जितना भी मेरा कपड़ा धुला जाएगा वो धो दूँगी, बाकी शाम को। बाहर पेपर आया है, अभी तक मैंने अंदर नहीं लिया था, उसको भी अंदर ले लिया है, और बच्चे तो स्कूल गए हैं, उसके बाद मेरे ये सब काम चल रहे हैं, मतलब वो है और साथ में ये भी काम चल रहे हैं। तो नहाने के बाद में मेरा खाना वगैरह बन गया। तो आज खाने में बना था मेथी की सब्जी, मेथी मैंने कल ही कट करके रखी थी। अभी सीज़न है ना, तो मेथी की सब्जी मतलब वीक में 2 या 3 बार बन ही रही है, और मतलब अलग अलग तरीके से बन ले, कभी मेथी की पूड़ी बन रही, कभी सब्जी बन रही, तो ऐसा करके मेथी की सब्जी सीज़न के हिसाब से खा ही रहे। तो यहाँ पे दाल तड़का भी हो गया, रोटी भी बन गई, मतलब लंच बन गया है। तो इस तरह से मेरा ये आज का आधा दिन तो बिल्कुल ऐसे कंटिन्यूसली काम में चल रहा है। बाहर का काम मैंने अभी थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, मतलब क्रिसमस का टाइम है, तो मैं थोड़ा सा घर में ज़्यादा काम कर रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ, बाहर के काम को थोड़ा सा मैंने साइड में रखा है। यहाँ पे अभी ना मुझे बाल में मेहंदी लगानी थी, मैंने क्या सोचा था सुबह जैसे पानी का मेरा 8 बजे तक काम हो जाएगा उसके बाद तुरंत मैं मेहंदी लगा लूँगी, लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा नहा लूँ और खाना बना लूँ और फिर मैंने मेहंदी लगा रही। तो अभी मेहंदी लगाने का मेरा टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा, उस टाइम पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और इसमें ना मैंने ऑयल ऐड नहीं किया था, मुझे अरगंडी का ऑयल है ना वो नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे डाबर आंवला जो ऑयल आता है ऑयल इसमें डालना है, बस ड्राइनेस बाल में नहीं आए इसके लिए मैंने ये ऑयल इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर रात हो गई, और रात में आगे है यहाँ पे चर्च से जो भी हमारी फैमिली वाली, तो हम कैरल सिंगिंग के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है कैरल सिंगिंग,